शुरू से ही है, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है अपने बिहार के और खास करके सीतामढ़ी जिला के लोग जो बाहर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनका कल कारखाना बंद हो गया है, उन लोगों को वहाँ खाने पीने की समस्याएं हो रही है। लगातार उन लोगों के समस्या के निदान के हम लिए हम लोग लगे हुए थे। जहाँ जहाँ हम लोगों की पहुँच थी, जहाँ अपने लोग थे, उन लोगों को हम लोगों ने राशन पहुँचवाने का काम किया और उसी काम में हम लोग लगे हुए थे। ये काम कर रही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक MLA, हर एक MP जो जहाँ है अपनी क्षमता के हिसाब से सब लोग लगे हुए हैं और पीड़ित लोगों की मदद कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी पिछले बार, हम लोगों को भी विश्वास दिलाया गया था, हम लोगों के फंड से 50-50 लाख रुपया लिया गया और हम लोगों ने अपने जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ उसके दूसरे दिन अपने वेतन का, एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का काम किया और हम लोगों को लगा जे सरकार काम करेगी, सरकार सभी लोगों के पास सुविधा सहायता मुहैया करा पाएगी, लेकिन फिर भी हम लोग उस दिन से लगे हुए थे। लेकिन अब देखने से लगता है जो सरकार पूरी तरह से नाकाम है।